see and catch the pulse of audience. After that, whatever Almighty wants to talk through me, he does it. I don't talk. He talks using my words. तमे जी की तो के लेडीज ने अपना प्रॉब्लम इफ शी इज फाइटिंग बैक शी हैज टू लिव अ सो व्हाट यू वांट टू से टू दोस लेडीज इज हु करे सी व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर आई हैव नॉट रेड द होल बताया जाता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई डोंट नो वेदर इज देयर एनीथिंग रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दिस फ्रीडम इज फॉर ग्रांटेड आई डोंट आई फील इट इज फॉर एवरीवन सो इफ दिस फ्रीडम इज फॉर एवरीवन समझ सकता हूं कि भारत के बाहर ऐसा कुछ है तो ठीक है ओल्ड एज होम इन इंडिया मना ये कोई मैचिंग ही नहीं हो रही है चीज तो ये वस्तुतः
सिद्ध करता है कि हमने मॉडर्न होने की लालसा में हमारा बहुत कुछ हमने छोड़ दिया और ऐसा बहुत कुछ ले लिया जो हमारे काम का नहीं। और वो लोगों ने, पश्चिमी देशों ने हमारे जो काम की चीज ये वो अपने पास ले ली और वो खुद अभी भारतीय बनते जा रहे। पश्चिमी देश में भारतीयता आ रही है। यहाँ का प्राचीन योगा, पतंजलि योगा यहाँ का, तो वहां लोग सिखा सिखा के करोड़ों रुपया कमा रहे। यहाँ का आयुर्वेदा, यहाँ का पंचकर्म वो वहां के लोग अपने पास अपना रहे। आज देशों में एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है गो सात्विक। वीगन तो अलग चीज है पर गो सात्विक, yes, गो सात्विक। तो वो चीज यहाँ होने के बदले वहाँ हो रही है। yes. हम अलग अलग प्रकार के उनके व्यंजन हम ला करके हम वो खा रहे। आज जो एक ऑर्गेनिक 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 फैट चल रहा है मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई जैसे हमें रास्ता जैसे भटक गए ऐसा कुछ। आई थिंक वी शुड ट्राई एंड रीडिस्कवर छूट जाता है डेथ, उनको उस चीज की अहमियत है? दे क्राई, दे वोंट, व्हाई? दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, मोस्ट प्रोबेबली दे हैव नॉट गॉट एनी काइंड ऑफ सस्टेनेंस
और कंपेनियनशिप फ्रॉम देयर ग्रैंडपेरेंट्स। यस। तो मुझे याद है जो अभी हम बचपन में थे तो मेरी एज ग्रुप के अनेक होंगे कि जो ये जो दादी नानियां होती थी इनका वो खुश हो जाती तो वो ऐसा इधर से अंदर से पॉकेट निकाल देती थी, ऐसा पॉकेट निकाल के 1 रुपए का सिक्का बराबर है, तो 1 रुपए के उसमें से हम लोगों का बहुत कुछ आ जाता था। 1 रुपए में ऑलमोस्ट हमारा कम से कम 4 तो वो ऑरेंज वाली वो आ जाते थे पेपरमेंट। आज वो सुख है ही नहीं, लस्ट हैज टेकन द प्लेस ऑफ लव। वो जो एक निश्चल या निस्वार्थ स्पर्श जो है बच्चों को, जब भी बचपन में बुखार आ गया तो भी माँ के बाजू में बैठती थी, सिर पे हाथ घुमा देती, वो आधा उसको से निकल जाता सिर्फ माँ का स्पर्श। माँ को टाइम है ना बच्चे को चाहिए। आजकल के बच्चे कहते हैं क्या कहते हैं, वी नीड स्पेस, जस्ट गिव अस सम स्पेस, वी आर फीलिंग सफोकेटेड। आजकल बच्चों को माँ बाप ही चाहिए, माँ बाप को लगता है कि भाई देर मैनेज करते पैसा निकाल सकते। जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है तो आई हैव नेवर अंडरस्टैंड द वर्क से क्या है, संगत लग गई कहां से आएगी, हवा से आएगी। चीज पहली बार खाना कहाँ तो होती है, दृश्य में हो सकती है, श्राव्य में हो सकती है, फर्स्ट टाइम जो है समाज नहीं निर्मित हुआ है ना, रात को सो के सपने में से तो सीख ही नहीं आया, कहाँ ना कहाँ उसने अपने घर में देखा रहेगा या आसपास देखा रहेगा। तो समाज के निर्माता हम हैं। जब हम ये कहते हैं कि बुरी संगत लग गई, हमने ही तो लगा है, can't blame anyone, you आप ही हो जिम्मेदार। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि it's high time that we should reflect
ऑन व्हाट? पहले मुझे खुद को देखना है. इफ आई चेंज द वर्ल्ड अराउंड वुड मी वुड चेंज. खुद को पहले देखो, खुद को परिवर्तन करो. इट वुड ऑटोमेटिकली एंड ग्रेजुअली चेंज अदर्स अराउंड. बट आज हम लोग एक ही चक्कर में है कि भाई पहले वो चेंज हो फिर मैं उसको पहले. इसमें कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है. जो भी हम सुनते आ रहे गांधी जी का आई फॉर एन आई वुड मेक द वर्ल्ड बेटर, इसमें कुछ नहीं हो रहा. पहले मुझे बी द फर्स्ट वन. इफ आई चेंज द वर्ल्ड. What do you want to say about the relationships, current relationship problems? See, I actually don't see the importance of relationships. Just today, I think post 90s era, 2000 era, every relationship is difficult. Fortunate. And also every relationship now is based on give and take. मनुष्य मूल स्वभाव से विवेकी है, बहुत समझदार और शूर है. जहाँ झुकना चाहिए वहाँ बात को पूरा करने के लिए झुक के बात नहीं करना चाहिए.
आपको प्रोलोंग 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 जब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ वो एक जिसे क्या कहते हैं खलिश बर्निंग सेंसेशन दिल में हो रहा है, पूरा कर दो ना। कितना टाइम वेस्ट करते हैं लोग। और यदि आपको रियलाइज हो गया भाई हमारा अभी ये बात बन नहीं रही तो डिसीजन ले, बट हम कहते हैं कि अपने मन की शांति पहले देखें, बाय योर ओन पीस फर्स्ट। तब तक आप कोई भी रिलेशनशिप में टिक नहीं पाएंगे। माइंड स्टेबल चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में बच्चे ने फोन मांगा और फोन दिलाया नहीं, बस तो जो सेंसिटिवनेस टॉलरेंस सब इस वजह से आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। व्हाट आई सी टुडे इज सौदेबाजी, उसको तो कोई जेन्युइन दिखा नहीं अभी कुछ नहीं। भाव स्वभाव ईर्षा वेश यही सब ज्यादा अभी होना पड़ा है जैसे और संबंध जिसमें दोनों तरफ से देने की भावना है, इच्छा और करना है। मैं समझता हूँ सबसे श्रेष्ठ जो ये संबंध है वो माँ जिसमें माँ जो है वो इच्छा और होने के लिए सदैव तत्पर रहती है, विदाउट एक्सपेक्टिंग ये मेरा बेटा मेरे को रिटर्न देगा। इसीलिए माए best advice especially to youngsters, don't expect anything in any relationship. Stop expecting. But the only thing which will get in return is ढूंढते ही रहोगे। हम लोग सब कोई ना कोई संबंध की तलाश में, मुझे यहाँ से सुख मिले,
कभी इसमें डुबकी मारा, कभी उसमें डुबकी मारा, वापस बाहर आ गया, इधर डुबकी मारा, बाहर आ गया, इधर डुबकी मारा, बाहर आ गया, कहीं से मिल ही नहीं रहा। फिर यहाँ गए, फिर वहां गए, किसी ने व्यसन में चले गए, किसी ने भी एक ड्रिंक लिया तो अच्छा लगता है, मन की शांति मिलती है, किसी ने सिगरेट पिया अच्छा लगता है, ड्रग्स लिया एकदम स्वर्ग की अनुभूति होती है। तो हम इधर उधर भटक ही रहे, क्योंकि मेन चीज मालूम ही नहीं, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, ये जानना जरूरी। आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहते हैं जो रिलेशनशिप्स में हैं और जिनकी रिलेशनशिप्स बन नहीं रही है, जैसे आपने कहा यहाँ से वहाँ गोते खा रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे स्टॉप करें यहाँ से यहाँ जंप मारना? देखिए, पीयर प्रेशर आज की तारीख में एक हकीकत है। जब दोस्त सहेलिया एक साथ जो पढ़ाई करती है, उसमें से एक का बॉयफ्रेंड हो गया, दूसरी का जब नहीं बनता, वो अंदर अंदर काफी निराश और उसको लगता है मेरे नहीं कुछ करता, इसका हो गया बॉयफ्रेंड, हो सकता है वो फ्रेंड के पीछे और तीन चार पड़े हो, इसको देख भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, सडनली उसका सेल्फ एस्टीम का लेवल डाउन। मैं कहता हूँ हम लोगों ने क्या मापदंड बनाया, कौन सा क्राइटेरिया, क्या मुझको कोई देखे कि मेरी वैल्यू मेरे को भाई फेसबुक इंस्टा में मेरे जो आपका कुछ वैल्यू है तब क्रिएट किया,
You have got worth as a human, it's a valuable. उसकी वैल्यू करना सीख। और पेरेंट्स आर गिविंग यू गुड एजुकेशन, खाने को आज लोगों को मिल नहीं रहा है। वी सी लॉट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन बेगिंग ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स, वो खाने को भी नहीं मिलता। अ लॉट ऑफ देम आर रेंटेड टू बेग। तो कम से कम इतना तो वैल्यू करो दैट ठीक है, मुझे खाने को तो मिल रहा है, अच्छा पहनने को तो मिल रहा है। Don't waste your life after fickle relationships. आपका best relationship, according to me, should be with your mother. Your mother should be your best friend. Apart from that, if at all you are spiritual, make God your best friend. ये friend बन जाती है, बन जाता है, अच्छी बात। As I said, अगर आपने एक्सपेक्टेशन शुरू की तो आपका वो फ्रेंडशिप भी जरूर बढ़ेगा। रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर फ्रेंडशिप शुड नेवर एक्सपेक्ट। आई वुड एंड विथ वन थिंग, व्हेन यू ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट कृष्ण सुदामा फ्रेंडशिप बेंचमार्क, मित्रता का मतलब क्या है? जहाँ मतलब होता है वहाँ मित्रता होती है। Where there is expectation, there can't be love, there can't be relationship. So don't expect.